हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सूखी हुई सब्ज़ी, जो बहुत ही अच्छा लगता है। इस सब्ज़ी के साथ मैं पूरी भी बनाऊंगी और साथ में मैं सेवई भी बनाऊंगी मीठा के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आलू को बॉईल कर ले रहा है। तब तक मेरा आलू बॉईल हो रहा तो मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा में मैंने दो से तीन कटोरी मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाले हैं, फिर से सूखा हुआ लाल मिर्च का क्रश करके डाल दिए, थोड़ा सा एक चम्मच के करीब मैं इसमें आपका तिल, सफ़ेद तिल डालूँगी और थोड़ा सा नमक। अब इन सभी को मिला के मैं एक आटा का डो तैयार कर लेते हैं। अब मेरा आटा भी लग गया है, तब तक मेरा आलू भी बॉईल हो गया है। अब मैं आलू को अच्छे से निकाल के, आलू बहुत ही गर्म है, सावधानी से छीलिएगा। आलू को हम छील लेते हैं। जब हमारा आलू अच्छे से तरीके से छिल जाएगा तो फिर मैं इसे बड़े साइज के तो पीस में काट लूँगी। इसे मैं पीस पीस में कट करके आलू को मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, जो हरी मिर्ची की लाल वाली जो मिर्ची होती है ना, जो मिर्ची पक जाती है, और थोड़ी सी लहसुन, उसे मैं अच्छे से दरदरा कूट लूँगी। ये भी मेरा कूट हो गया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा के मैं आलू को थोड़ा लाल भून लूँगी। लाल भूनने से ना क्या होता है, उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए हम लाल आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू भी मेरा लगभग फ्राई हो गया है, तो अब मैं क्या करती हूँ, उसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं कि आलू मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल और डालेंगे। उस तेल में मैं एक चम्मच के करीब सरसों डाल देंगे। जब हमारा सरसों अच्छे से चटक जाएगा तो जो मैंने लहसुन और मिर्ची को कूटा था ना, उस मिर्ची को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं नमक, हल्दी, थोड़ा सा मसाला और एवरेस्ट कलर के लिए एवरेस्ट लाल मिर्च पाउडर, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला या आमचूर, ये आप थोड़ा खट्टापन के लिए डाल सकते हैं। ये जब मेरा अच्छे से पक जाएगा तब फिर मैं जो आलू को फ्राई करके रखी थी उस आलू को इसमें अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए मेरा आलू अच्छे से मिल गया पूरा मसाले में। तो अब क्या करूँगी, मेरा आलू मिल गया तो अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देती हूँ। उसे क्रश करके कसूरी मेथी को अच्छे से डाल देंगे। कसूरी मेथी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और सूखी आलू की सब्ज़ी तो और ही अच्छी लगती है। इसे आप कहीं भी सफ़र में जाते हैं तो इसे आप लेके जा सकते हैं, आपका यह सब्ज़ी ख़राब नहीं होगा। अब मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी को निकाल के फिर मैं पूरियाँ तल लेती हूँ। लाल लाल एकदम फूली फूली मैं पूरियाँ निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी फूली फूली पूरियाँ निकल रही है। दोनों साइड से मैं इसे अच्छे से लाल करूँगी। लगभग मेरी सारी पूड़ियाँ तल गई है। अब मैं प्लेट लगा देती हूँ। प्लेट में मैंने आलू की सब्ज़ी रख दी सूखी हुई और पूड़ी और साथ में सेवई। क्या आपको भी इस टाइप की सब्ज़ी पसंद है? अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। ओके बाय, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।